और इमैनुअल मैक्रो जो कि यहाँ से नौका विहार करेंगे और भारतीय संस्कृति के महागान की गाथा का भी एक अंतर यात्रा के रूप में करेंगे। पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया जा रहा है, कन्याएं यहाँ पर पुष्प वर्षा से उनका स्वागत कर रही हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और फ्रांस के दोस्ती ही नहीं बल्कि भारत और फ्रांस के संबंधों की नई ऊंचाइयों को प्रकट करता है। आज यहाँ की लहरें कहीं ना कहीं साक्षी बनेंगी कि किस तरीके से लहरों पर भी अमिट इतिहास लिखा जा सकता है और कहीं ना कहीं ये एक अद्भुत अनुभव होगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए जो कि इस समय अलग अलग घाटों से होते हुए एक अंतर यात्रा कर रहे हैं। और वहां से वो जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जो कि एक बड़े जनसैलाब के रूप में गंगा तट पर दर्शन सनातन संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम के भाव को अपने में आत्मसात करते हुए विश्व कल्याण की कामना करता है।